हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने जा रहा हूं जो प्लास्टिक कचरे से बनाई गई है। जहां आज हम पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण से लड़ रहे हैं, वहीं कुछ छात्रों द्वारा बनाई गई कार की सारी दुनिया में सराहना हो रही है। यह कार 22 छात्रों की एक टीम ने, जो नीदरलैंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ आइडहोवन में पढ़ते हैं, इन छात्रों ने यह शोध किया कि किस तरह प्लास्टिक से मनचाहे डिजाइन और फीचर्स की कार बनाई जा सकती है। इन्होंने कार समुद्र में फेंके गए प्लास्टिक, रिसाइकल किए गए बोतल, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों और खिलौनों से मिलने वाली हार्ड प्लास्टिक से बनाई है। इस कार की खासियत जानकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। छोटे बजट की यह कार बिजली से चलती है। इसमें दो लोगों के बैठने की जगह है। एक बार चार्ज होने पर यह 220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह कार 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इस कार पर दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनी की नजर है। इस कार में आगे आने वाली जानकारी को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि यह कार वाकई में लाजवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर रोचक जानकारी के साथ।